क्वेश्चन नंबर 140, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फंक्शंस बाय, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निम्न में से किस प्रकार कार्य करता है? ऑप्शंस गिवन आर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, इंस्पेक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड द फोर्थ वन इंस्पेक्टिंग आइदर लेंथ और सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। डीएनए के खंड की लंबाई का अन्वेषण करके, डीएनए के खंड के अनुक्रम का अन्वेषण करके, डीएनए के खंड की लंबाई के विशिष्ट अनुक्रम का अन्वेषण करके और डीएनए के खंड की लंबाई अथवा अनुक्रम का अन्वेषण करके। एज वी नो दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंस्पेक्टिंग अ पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस इन विच नॉट ओनली द सीक्वेंस एज वेल एज नंबर ऑफ द बेसेज आर स्पेसिफिक। It means a particular length of specific base sequence is the target of each restriction endonuclease enzyme. So in first option, we are highlighting only the length of DNA, means the sequence is avoiding. So it's not a complete answer. In the second option, inspecting the sequence of DNA segment means we are not talking about the length. Here also it is incomplete one. In the third option, we are saying inspecting the length of specific sequence of DNA. It means we are considering length as well as the base sequence of the length. Means the perfect answer means it would be the answer. पहले ऑप्शन में डीएनए की खंड की लंबाई की अन्वेषण की बात की गई है, इसका मतलब अनुक्रम की उपेक्षा की गई है। दूसरे वाले विकल्प के अंदर डीएनए के खंड के अनुक्रम पर तो दिया गया है जोर, लेकिन उसकी लंबाई का किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं किया गया है। जबकि तीसरे ऑप्शन के अंदर डीएनए के खंड की लंबाई के विशिष्ट अनुक्रम अर्थात लंबाई व अनुक्रम यानी बेस सीक्वेंस दोनों को दिया गया है, इसका मतलब यही हमारा सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, निम्न में से कौन सा पीसीआर का अनुप्रयोग नहीं है? एज यू नो PCR is one of the technique where there the nucleic acid is to be amplified. Nucleic acid को amplify करने की, उसे आवर्धित करने की एक mechanism होती है PCR. इसका मतलब ये technique DNA यानी nucleic acid जो होता है उसको investigate करने की एक technique होती है, यानी कि DNA को amplify करके और उसकी presence को investigate करती है। Applications के बारे में about the application, the options are डिटेक्शन ऑफ द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस। यस वी नो बैक्टीरिया एंड वायरस हैविंग द जेनेटिक मटीरियल, सो आफ्टर पीसीआर इफ देर इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल एंड वायरल कंटेंट इट मीन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द डीएनए। डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, यस कैंसर पेशेंट्स आर अराइज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डीएनए सिक्वेंसेज। As we know that the proto-oncogene convert into the oncogene, in such a situation if we make a PCR, that means the abnormal DNA or the modified DNA get amplified because of the such kind of a probe application. Third, amplification of the desired DNA segment. Yes, desired DNA ke segment ko multiply karne ka, I think it's one of the tremendous method. And the fourth one, detection of the antibodies synthesized against the pathogen. No. Antibodies cannot to be detected out. As we know, antibodies are the any kind of a proteiny substances where we know that in case of PCR, we are making a detection of the nucleic acid. So, option number 4 is not the appropriate one. Question number 160. Baculoviruses are the pathogen that attack insect and other arthropods. Which of the following is not the property of these viruses? Baculovirus, कीटों तथा अन्य arthropods पर आक्रमण करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता इनके द्वारा दर्शाई नहीं जाती है? दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यस बैक्यूलोवायरसेस वर्क ऑन अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द पैथोजन, आई मीन टू से स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द ऑर्थोपोड्स और द अदर इंसेक्ट्स। दे आर नैरो स्पेक्ट्रम, यस अ पर्टिकुलर बैक्यूलोवायरस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ओनली ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, इट मीन्स अदर फ्रेंडली इंसेक्ट will not be harmed because of such kind of a baculovirus. Third option is the undesirable in ecologically sensitive areas. We should keep in our mind that it is the technique with help of which ecologically sensitive areas
are to be protected from the any kind of undesired loss. It means it is really one of the desirable one. Whether here the option is undesirable, it means the thing is just opposite to the right approach. Means it should be the desirable. It means the third option is not the right one. Whether the fourth option is no influence on the non-target organ, as we are saying that these are the narrow spectrum, it means they will simply lead to the destruction only of a particular species. हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि भाई इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो शो नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर काम कर रहा है. यस, एक पर्टिकुलर जाति को ही डिस्ट्रिक्ट करता है. दूसरा ऑप्शन इसी से निकल करके आता है कि इनकी परास छोटी है. यस, एक पर्टिकुलर बेकुलो वायरस एक पर्टिकुलर रेंज के ऑर्थोपोड्स को ही मार रहा है, इसका मतलब बाकी दूसरों को किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी उसकी मारने की जो रेंज है वो काफी छोटी है. तीसरी बात, पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो संवेदनशील आवास है उनमें यह अवांछित है, ये बात गलत है. बल्कि देखा जाए तो पारिस्थितिकीय जो तंत्र होते हैं और वो भी संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र, जहां पर की पारिस्थितिक घटनाएं बहुत ही सेंसिटिव तरीके से संपादित हो रही होती है, वहां पर तो ये सबसे बेहतरीन एक टेक्निक है. क्योंकि आपने पहले ही कहा कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी ये केवल एक पर्टिकुलर टारगेट को ही मारेगी और दूसरे हमारे जितने भी बेनिफिशियल या लाभदायक जो दूसरे एलिमेंट इकोसिस्टम के, उनको किसी भी तरह से डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचाएगी. तो यहां पर बात को उल्टा लिखा गया है, ये पारिस्थितिकीय तंत्रों के लिए अवांछित नहीं अपितु वांछित घटना है. और चौथा जो विकल्प इन्होंने रखा है, नॉन टारगेट जीवों पर कोई प्रभाव नहीं है. यस, आपने पहले ही दूसरे विकल्प में ये बात कही है कि ये लघु टारगेट जाति स्पेसिफिक जाति विशिष्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो प्रभाव होगा वो नॉन टारगेट जीवों पर नहीं होगा, केवल टारगेट जीव को ही ये नष्ट करेंगे.